औद्योगिक नगरी पीतमपुर के सेक्टर एक थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर थाना प्रभारी संतोष कुमार दोधी ने आज बस ऑपरेटर मैजिक संचालक ऑटो चालकों की बैठक आयोजित की। स्थानीय बस स्टैंड पर आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवर और वाहन स्वामी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने सभी से अपने वाहनों को यातायात के सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया, जिसमें वाहनों के बीमा, वाहन का फिटनेस, यात्री बसों में आपातकालीन द्वार, CNG वाहनों में अग्निशमन यंत्र की समय पर जांच अवश्य करवाए। यात्री वाहन स्वामियों व चालकों को थाना प्रभारी ने समझाइश के साथ चेतावनी भी दी कि अपने अपने वाहनों की सभी कागजी कार्यवाही पूरी करें, अन्यथा आगामी दिनों में पुलिस द्वारा अभियान चलाकर यात्री वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पिछले दो दिनों से क्षेत्र में लगातार चालानी कार्यवाही जारी है, जिसमें अब तक कुल 150 चालान बनाए गए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी सर, यातायात को लेकर मीटिंग रखी गई थी, क्या था फैसला? अभी हमने बस संचालकों, ऑटो रिक्शा, मैजिक संचालक, ड्राइवर और अन्य स्कूल कॉलेज संबंधित जो चालक परिचालक हैं उनकी मीटिंग ली है। उनको समझाइश दी है कि यातायात संबंधी नियमों का पालन करें, अपनी गाड़ी में जो भी सुरक्षा उपकरण है उनको सही सलामत रखें, और इमरजेंसी एग्ज़िट वगैरह जो होते हैं, अमूमन देखा गया कि कई गाड़ियों में इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है और है तो उनके आसपास कुछ सामान रख के रखते हैं या कुछ सीट वगैरह लगा देते हैं। तो उन लोगों को आज हमने हिदायत दी है कि आकस्मिक स्थिति में आदमी एग्ज़िट कैसे करें, उसको सुचारू रूप से चालू रखें और सीट बेल्ट लगाएं, टू व्हीलर चालक जो है अपना हेलमेट लगाएं। इस तरह के इनको जागरूकता अभियान के तहत आज समझाइश दी गई है और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं अगर उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं तो। अभी दो दिन के अंदर करीब 150 से अधिक लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने चालानी कार्रवाइयाँ की हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी पीथमपुर में सड़कें कुछ कंजेस्टेड हैं और यातायात के यहाँ सघन स्थिति रहती है। पार्किंग की बात को लेकर भी कई लोग अपने मैजिक गाड़ी, ऑटो रिक्शा वगैरह खड़े करते हैं, उनको भी समझाइश दी है कि अपने सही दिशा में और सही जगह पर ही पार्क करें और हादसों से बचें। संतोष दूरी, TI पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।